कारवां टीवी हर पल आपके साथ। सपाइयों ने गन्ना समिति के निर्वाचन अधिकारी को संबोधित मांग पत्र एसडीएम को सौंपकर डेलीगेट निर्वाचन नामावली से बाहर किसानों के नाम निरस्त करने, बकायेदारों के नाम सार्वजनिक करने तथा प्रतिनिधियों के नामांकन के लिए समय सीमा एक दिन से बढ़ाकर दो दिन किए जाने की मांग की है। किसान नेताओं ने गन्ना समिति की अंतिम व अनंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन डेलीगेट क्षेत्रों में कराए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नरोत्तम गंगवार, एडवोकेट पुरुषोत्तम गंगवार व तेज प्रकाश गंगवार के अलावा जिला पंचायत सदस्य अरविंद्र गंगवार डब्लू व छेदालाल दिवाकर, सपा के विधानसभा अध्यक्ष अनिल गंगवार, हृदय नारायण गंगवार, रमन सिंह यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर मुक्ता प्रसाद, नवाब अहमद अंसारी, निराले अंसारी आदि शामिल रहे। आयोजन में जिला विकास अधिकारी दिनेश कुमार यादव, एसडीएम अजय कुमार उपाध्याय व सीओ हर्ष मोदी के साथ ही तहसीलदार दुष्यंत प्रताप सिंह व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। देखिए कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की ये रिपोर्ट। आपको एक सेकंड देखकर आपकी जो कार्य प्रणाली थी वही तो देख के साथ ज्ञापन देने मेमोरेंडम देने आए। आरक्षण में आयुक्त साहब कहता है कि गत निर्वाचन को माइनस करके अगले के दो व्यक्ति निर्वाचित हो। अब आरो धाम ने कह दिया सीधे बदल दिया क्योंकि तीन नाम के पा है पंडरी प्रेमिया पड़ोसी सीधे बदल दिया ताकि हम गन्ना आयुक्त ये कहता है निर्वाचन में आरक्षित हो उन्हें माइनस कर दिया है, चक्रानुक्रम आगे बढ़ा जाएगा। ठीक, अब दूसरे नंबर पे पंडरी होना चाहिए और लिख दिया पर्वती क्योंकि पापाक्रांत है, राबाद में है, सब पहले है, सही माना है आपको। ये जो गन्ना समिति का चुनाव हो रहा है अध्यक्ष और डायरेक्टर पद के लिए, इस संदर्भ में जो हमारे आरओ और आरओ ने जो डायरेक्टर क्षेत्र में थोड़ा सा धांधली करके किया है, परोथी और पटरी और पुरेनिया के क्षेत्र को तीनों पास हैं लेकिन उन्होंने सीडीए गड़बड़ करके इस सीडीए को उलट करके आरक्षित किया। और दूसरी बात, वोटर लिस्ट का प्रकाशन जो है हम लोग ये चाहते हैं कि बकायेदारों का लिस्ट जो है पहले लग जाए और उसमें चिपक जाए कि कौन कौन बकायेदार हैं, क्योंकि वो जो प्रेस हैं जिनका कोई बकाया नहीं है वही मेंबर रहें, वही वोटर रहें, वही वोट डालते हैं। ये दो बातों को, और चुनाव निष्पक्ष हो, सबसे बड़ी बात ये है हम लोग चाहते हैं चुनाव निष्पक्ष हो, क्योंकि हमें जो लग रहा है ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। जो आरओ और आरओ हैं इसमें कुछ सत्ता पक्ष के लोगों की इसमें वरीयता दी जा रही है, इसलिए मेरा अनुरोध आप पत्रकार भाइयों से भी है और शासन से भी है कि कृपया इस चुनाव को निष्पक्ष, जो नियमित गन्ना सप्लायर हैं उनके नाम मतदाता सूची में नहीं डालें, नियमित गन्ना कृषकों के नाम मतदाता सूची में नहीं डाले और बाहर से जिन्हें कहाँ कहाँ से लाए गए मतदाता को उसमें एडजस्ट कर दिए। तो एक तो मतदाता सूची बढ़िया हो, प्रकाशन जिस क्षेत्र में जिस गांव के नाम से है वहाँ प्रकाशन होना चाहिए और इन्हें अवैये से बेईमानी करना शुरू कर दी, जो आरक्षण में इन्हें बेईमानी करना शुरू कर दी, हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे चाहे कुछ भी बेईमानी क्या की है। ऐसा है पा नाम से तीन निर्वाचन क्षेत्र है।
कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।